विनोद, रमेश और सलीम नाम के तीन दोस्त रात के 1 बजे कार में क्लब से घर लौट रहे थे। तीनों मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। विनोद कार चला रहा था। यार आज सच में बहुत मजा आया। यार सलीम, तो उस लड़की को पहचानता है क्या? वे तेरी ही तरफ देख रही थी। मैं वो ही इतना खूबसूरत, शायद इसीलिए मुझे देख रही होगी। अगर ऐसी बात है तो वो मुझे देखती। ठीक है, अगली बार जब हम आएंगे तो उससे पूछेंगे कि वे किसको देख रही थी। अरे विनोद, थोड़ा ध्यान से चला, कहीं किसी पेड़ पर टक्कर मत मार देना। तुम लोगों को नहीं पता, ये कार मेरी हर बात मानती है। अगर मैं आंखें बंद करके भी चलाऊं तो भी किसी को टक्कर नहीं लगेगी। तीनों हंसते गाते हुए तेजी से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक मोटर बाइक आ जाती है। विनोद संभाल के, सामने बाइक है। कार और बाइक की जोर से टक्कर हो जाती है। विनोद, ये तूने क्या कर दिया? जल्दी कार से सब उतरो, जाकर देखते हैं कहीं वे दोनों मर तो नहीं गए। सभी कार से उतरकर बाइक के पास जाते हैं। विनोद, तूने परिवार एक झटके में खत्म कर दिया। मैं तुझे बोल ही रहा था धीरे चला, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। अरे भाई, हो गई गलती, अब आगे बताओ क्या करना है। मुझे पुलिस के हत्थे नहीं चलना। एक काम करते हैं, इन दोनों लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। सलीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो अभी इन दोनों लाशों को कहीं पर दफना देते हैं। अगर तुम दोनों को यही सही लगता है तो फिर चलो। तीनों दोस्त लाशों को ले जाकर दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगते हैं। इन लोगों को मरने के लिए और किसी की गाड़ी नहीं मिली जो हमारी ही गाड़ी के सामने आकर कूद पड़े। लाशों को दफनाने के बाद तीनों दोस्त वहां से अपनी गाड़ी में सवार होकर घर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी रात विनोद अकेले अपने कार में घर लौट रहा था। जैसे ही विनोद एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है, उसकी कार अचानक से रुक जाती है। ये मेरी गाड़ी को क्या हो गया? इसी हफ्ते मैंने इसकी सर्विसिंग करवाई है, जरा देखता हूँ। विनोद अपनी गाड़ी से उतरकर गाड़ी की जांच करने लगता है। तभी विनोद के पीछे एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। आखिरकार तुझे यहाँ आना ही पड़ा। विनोद अचानक से पलटकर चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। अरे बाप रे, दादा रे, ये तो चुड़ैल है, कोई मुझे इससे बचा लो। चुड़ैल विनोद की तरफ अपनी जादुई शक्ति से हमला करती है, लेकिन चुड़ैल के हमला करते ही कहीं से एक शक्ति आकर चुड़ैल की शक्ति को नाकाम कर देती है। कौन है यहाँ? कौन मेरे हमले को नाकाम कर रहा है? मैंने तेरी शक्तियों को नाकाम किया है। मेरे रास्ते में मत आओ, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। एम क्लीम, एम क्लीम, भागीदारी, भागीदारी, ओम फट स्वाहा। प्रोफेसर के मंत्र बोलते ही चुड़ैल वहां से भाग जाती है। यह चुड़ैल तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गई? मैं और मेरे दोस्त कार से घर जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी। उस बाइक में एक पति पत्नी थे, टक्कर से दोनों की मौत हो गई। अच्छा, तो ये बात है, बाइक वाली वह महिला ही चुड़ैल बन चुकी है। इसकी आत्मा बहुत अशांत है, इसीलिए यह इतनी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। प्रोफेसर, आप ही कोई उपाय बताएं, हमारी मदद कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। विनोद प्रोफेसर को अपने साथ फ्लैट में लेकर जाता है। घर पहुंचते ही विनोद के साथ प्रोफेसर को देखकर रमेश बोलता है, अरे विनोद, ये कौन है? बेटा, मैं प्रोफेसर गोपाल हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आत्माओं और भूतों के बारे में पढ़ने में बिता दी। बेटा, तुम तीनों ये लॉकेट अपने पास रखो। जब तक ये लॉकेट तुम्हारे पास रहेगा, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसकी आत्मा को पूरी तरह से शांत करने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। ना ही मैं इन फालतू की चीजों में विश्वास करता हूँ और ना ही मैं ये पहनने वाला हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे प्रोफेसर, आप क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो? लाओ दोनों रॉकेट मुझे दे दो, हमें अगर पहनना होगा तो हम पहन लेंगे। अभी मैं यहाँ से चलता हूँ,
लेकिन ध्यान रखना, तुम लोगों के लिए यही सही रहेगा कि तुम लॉकेट कभी ना उतारो। अगर मैं भी आकर तुमसे कहूँ तो भी मत उतारना। प्रोफेसर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इन लोगों को लॉकेट पहनाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। जिस जगह पर हमसे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर आज मुझे चुड़ैल मारना चाह रही थी। उस चुड़ैल से प्रोफेसर ने मेरी जान बचाई। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये लॉकेट पहना कर ही रहूंगा। अरे ठीक है भाई, ठीक है, मैं पहन लूंगा। विनोद चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इन बेकार की चीजों को नहीं पहनने वाला। भाई मेहरबानी करके पहन ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। विनोद के ला कहने पर भी रमेश लॉकेट नहीं पहनता। रात में जब सभी सो रहे थे तभी रमेश को कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ी होकर धीरे धीरे हो रही हो। रमेश नींद से जाग जाता है। हमारे फ्लैट के बाहर इतनी रात में कौन रो रही होगी? लगता है कोई लड़की बहुत परेशान है। रमेश जाकर दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। रमेश दरवाजा खोलकर देखता है, बाहर एक डरावनी चुड़ैल खड़ी है। अब तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथों से? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। डर के मारे रमेश कांपने लगता है, उसकी आवाज भी नहीं निकलती। चुड़ैल रमेश को एक रस्सी से पंखे पर लटका देती है। रमेश की मौत हो जाती है। अचानक सलीम की आंखें खुल जाती हैं। सलीम देखता है रमेश की लाश पंखे से लटक रही है। सलीम जैसे भी अपने पास सोए विनोद की ओर देखता है तो उसे नजर आता है विनोद के पास प्रोफेसर खड़े हैं। प्रोफेसर आप यहाँ? प्रोफेसर रमेश को किसी ने मार डाला। मुझे पता है सलीम, अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। मैंने दूसरा लॉकेट लाया है जिससे तुम पूरी तरह से उस चुड़ैल से बच पाओगे, इसलिए मैं पुराना लॉकेट निकाल कर फेंक दो। यह लीजिए प्रोफेसर, पुराना लॉकेट। अब वो किसी काम का नहीं है, उसे फेंक दो। सलीम के उस लॉकेट को फेंकते ही प्रोफेसर चुड़ैल में बदल जाता है। अब तुझे भी मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल सलीम को भी पंखे से लटका देती है। सलीम की भी मृत्यु हो जाती है। सुबह जागते ही विनोद जब दोनों की लाश देखता है तो वह घबरा जाता है। यह क्या हो गया? चुड़ैल ने दोनों को मार डाला। इसका मतलब वह चुड़ैल मुझे मार डालेगी। मुझे जल्दी प्रोफेसर के पास जाना। विनोद बहुत डर जाता है और वह भागते हुए अपनी कार की ओर जाता है। विनोद तेजी से गाड़ी चलाकर प्रोफेसर की ओर जाने लगता है, लेकिन एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने के बाद फिर से गाड़ी खराब हो जाती है। यह गाड़ी बार बार यहीं पर क्यों खराब होती है? मुझे पता है चुड़ैल, ये तूने किया है। तूने ही मेरे दोनों दोस्तों को मारा है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जान ले। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। तुझे क्या लगता है तेरी ये मामूली सी लॉकेट तुझे मुझसे बचा लेगी? कुछ नहीं हो सकता तेरा, तू मरने वाला है। तेरी इतनी हिम्मत चुड़ैल कहीं की? विनोद जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर चुड़ैल के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन चुड़ैल का कुछ नहीं होता। लकड़ी चुड़ैल के शरीर के आर पार हो जाती है। मैं तेरी जान ले लूंगा चुड़ैल। विनोद चुड़ैल को मार किस कर रहा था, तभी अचानक से विनोद की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये गाड़ी अपने आप कैसे स्टार्ट हो गई? गाड़ी आकर विनोद को टक्कर मार देती है। जैसे ही विनोद गिरता है उसके गले से लॉकेट उतर जाती है। अब तो तेरे गले पर लॉकेट नहीं है, अब तुझे कौन बचाएगा? चुड़ैल विनोद के गले में फंदा देकर पेड़ से लटका देती है और इसी के साथ चुड़ैल अपना बदला पूरा करती है। मैंने तीनों लोगों को मार डाला, अब मेरी आत्मा को शांति मिली। मेरे पति देव, आ रही हूँ मैं आपके पास, मैंने हमारा बदला पूरा कर लिया। दोस्तों आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। विनोद, रमेश और सलीम नाम के तीन दोस्त रात के 1 बजे कार में क्लब से घर लौट रहे थे। तीनों मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। विनोद कार चला रहा था। यार आज सच में बहुत मजा आया। यार सलीम, तो उस लड़की को पहचानता है क्या? वे तेरी ही तरफ देख रही थी। मैं हूँ ही इतना खूबसूरत, शायद इसीलिए मुझे देख रही होगी। अगर ऐसी बात है तो वो मुझे देखती। ठीक है, अगली बार जब हम आएंगे तो उससे पूछेंगे कि वे किसको देख रही थी। अरे विनोद, थोड़ा ध्यान से चला, कहीं किसी पेड़ पर टक्कर मत मार देना। तुम लोगों को नहीं पता, ये कार मेरी हर बात मानती है। अगर मैं आंखें बंद करके भी चलाऊं तो भी किसी को टक्कर नहीं लगेगी। तीनों हंसते गाते हुए तेजी से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक मोटर बाइक आ जाती है। विनोद संभाल के, सामने बाइक है। कार और बाइक की जोर से टक्कर हो जाती है। विनोद, ये तूने क्या कर दिया? जल्दी कार से सब उतरो, जाकर देखते हैं कहीं वे दोनों मर तो नहीं गए। सभी कार से उतरकर बाइक के पास जाते हैं। विनोद, तूने परिवार एक झटके में खत्म कर दिया। मैं तुझे बोल ही रहा था धीरे चला धीरे चला, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। अरे भाई, हो गई गलती, अब आगे बताओ क्या करना है। मुझे पुलिस के हत्थे नहीं चलना। एक काम करते हैं, इन दोनों लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। सलीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो अभी इन दोनों लाशों को कहीं पर दफना देते हैं। अगर तुम दोनों को यही सही लगता है तो फिर चलो। तीनों दोस्त लाशों को ले जाकर दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगते हैं। इन लोगों को मरने के लिए और किसी की गाड़ी नहीं मिली जो हमारी ही गाड़ी के सामने आकर कूद पड़े। लाशों को दफनाने के बाद तीनों दोस्त वहां से अपनी गाड़ी में सवार होकर घर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी रात विनोद अकेले अपने कार में घर लौट रहा था। जैसे ही विनोद एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है, उसकी कार अचानक से रुक जाती है। ये मेरी गाड़ी को क्या हो गया? इसी हफ्ते मैंने इसकी सर्विसिंग करवाई है, जरा देखता हूँ। विनोद अपनी गाड़ी से उतरकर गाड़ी की जांच करने लगता है। तभी विनोद के पीछे एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। आखिरकार तुझे यहाँ आना ही पड़ा। विनोद अचानक से पलट कर चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। अरे बाप रे, दादा रे, ये तो चुड़ैल है, कोई मुझे इससे बचा लो। चुड़ैल विनोद की तरफ अपनी जादुई शक्ति से हमला करती है, लेकिन चुड़ैल के हमला करते ही कहीं से एक शक्ति आकर चुड़ैल की शक्ति को नाकाम कर देती है। कौन है यहाँ? कौन मेरे हमले को नाकाम कर रहा है? मैंने तेरी शक्तियों को नाकाम किया है। मेरे रास्ते में मत आओ, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। एम क्लीम, एम क्लीम, भागीदारी भागीदारी, ओम फट स्वाहा। प्रोफेसर के मंत्र बोलते ही चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। यह चुड़ैल तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गई? मैं और मेरे दोस्त कार से घर जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी। उस बाइक में एक पति पत्नी थे, टक्कर से दोनों की मौत हो गई। अच्छा, तो ये बात है, बाइक वाली वह महिला ही चुड़ैल बन चुकी है। इसकी आत्मा बहुत अशांत है, इसीलिए यह इतनी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। प्रोफेसर, आप ही कोई उपाय बताएं, हमारी मदद कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। विनोद प्रोफेसर को अपने साथ फ्लैट में लेकर जाता है। घर पहुंचते ही विनोद के साथ प्रोफेसर को देखकर रमेश बोलता है, अरे विनोद, ये कौन है? बेटा, मैं प्रोफेसर गोपाल हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आत्माओं और भूतों के बारे में पढ़ने में बिता दी। बेटा, तुम तीनों ये लॉकेट अपने पास रखो, जब तक ये लॉकेट तुम्हारे पास रहेगा वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसकी आत्मा को पूरी तरह से शांत करने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। ना ही मैं इन फालतू की चीजों में विश्वास करता हूँ और ना ही मैं ये पहनने वाला हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे प्रोफेसर, आप क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो?
लाओ दोनों रॉकेट मुझे दे दो, हमें अगर पहनना होगा तो हम पहन लेंगे। अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन ध्यान रखना तुम लोगों के लिए यही सही रहेगा कि तुम रॉकेट कभी ना उतारो। अगर मैं भी आकर तुमसे कहूँ तो भी मत उतारना। प्रोफेसर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इन लोगों को लॉकेट पहनाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। जिस जगह पर हमसे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर आज मुझे चुड़ैल मारना चाह रही थी, उस चुड़ैल से प्रोफेसर ने मेरी जान बचाई। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये लॉकेट पहना कर ही रहूँगा। अरे ठीक है भाई ठीक है, मैं पहन लूंगा। विनोद चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इन बेकार की चीजों को नहीं पहनने वाला। भाई मेहरबानी करके पहन ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। विनोद के लाग कहने पर भी रमेश लॉकेट नहीं पहनता। रात में जब सभी सो रहे थे तभी रमेश को कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ी होकर धीरे धीरे हो रही हो। रमेश नींद से जाग जाता है। हमारे फ्लैट के बाहर इतनी रात में कौन रो रही होगी, लगता है कोई लड़की बहुत परेशान है। रमेश जाकर दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। रमेश दरवाजा खोलकर देखता है, बाहर एक डरावनी चुड़ैल खड़ी है। अब तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथों से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। डर के मारे रमेश कांपने लगता है, उसकी आवाज भी नहीं निकलती। चुड़ैल रमेश को एक रस्सी से पंखे पर लटका देती है, रमेश की मौत हो जाती है। अचानक सलीम की आंखें खुल जाती हैं। सलीम देखता है रमेश की लाश पंखे से लटक रही है। सलीम जैसे भी अपने पास सोए विनोद की ओर देखता है तो उसे नजर आता है विनोद के पास प्रोफेसर खड़े हैं। प्रोफेसर आप यहाँ? प्रोफेसर रमेश को किसी ने मार डाला। मुझे पता है सलीम, अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। मैंने दूसरा लॉकेट लाया है जिससे तुम पूरी तरह से उस चुड़ैल से बच पाओगे, इसलिए मैं पुराना लॉकेट निकाल कर फेंक दो। यह लीजिए प्रोफेसर पुराना लॉकेट। अब वो किसी काम का नहीं है, उसे फेंक दो। सलीम के उस लॉकेट को फेंकते ही प्रोफेसर चुड़ैल में बदल जाता है। अब तुझे भी मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल सलीम को भी पंखे से लटका देती है, सलीम की भी मृत्यु हो जाती है। सुबह जागते ही विनोद जब दोनों की लाश देखता है तो वह घबरा जाता है। यह क्या हो गया, चुड़ैल ने दोनों को मार डाला, इसका मतलब वह चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे जल्दी प्रोफेसर के पास जाना। विनोद बहुत डर जाता है और वह भागते हुए अपनी कार की ओर जाता है। विनोद तेजी से गाड़ी चलाकर प्रोफेसर की ओर जाने लगता है, लेकिन एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने के बाद फिर से गाड़ी खराब हो जाती है। यह गाड़ी बार बार यहीं पर क्यों खराब होती है, मुझे पता है चुड़ैल ये तूने किया है, तूने ही मेरे दोनों दोस्तों को मारा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जान ले। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। तुझे क्या लगता है तेरी ये मामूली सी लॉकेट तुझे मुझसे बचा लेगी, कुछ नहीं हो सकता तेरा, तू मरने वाला है। तेरी इतनी हिम्मत चुड़ैल कहीं की। विनोद जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर चुड़ैल के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन चुड़ैल का कुछ नहीं होता, लकड़ी चुड़ैल के शरीर के आर पार हो जाती है। मैं तेरी जान ले लूंगा चुड़ैल। विनोद चुड़ैल को मार किस कर रहा था तभी अचानक से विनोद की गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ये गाड़ी अपने आप कैसे स्टार्ट हो गई? गाड़ी आकर विनोद को टक्कर मार देती है। जैसे ही विनोद गिरता है उसके गले से लॉकेट उतर जाती है। अब तो तेरे गले पर लॉकेट नहीं है, अब तुझे कौन बचाएगा। चुड़ैल विनोद के गले में फंदा देकर पेड़ से लटका देती है और इसी के साथ चुड़ैल अपना बदला पूरा करती है। मैंने तीनों लोगों को मार डाला, अब मेरी आत्मा को शांति मिली, मेरे पति देव आ रही हूँ मैं आपके पास, मैंने हमारा बदला पूरा कर लिया।
दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।